नमस्कार दोस्तों, अर्थ डे सबमिट में आपका बहुत स्वागत है और आज हम विश्व पृथ्वी दिवस को यहाँ मना रहे हैं। वर्धमान एकेडमी में हम मौजूद हैं और इस अर्थ डे सबमिट का जो स्पेशल सेशन है ये हम शुरू कर रहे हैं। पहला सेशन हमारा होने वाला है, तालियों से स्वागत करिए डीएफओ सर मेरठ का। पृथ्वी आज बीमार है, औद्योगिकीकरण के आड़ में जो हम आज प्रकृति का हरण कर रहे हैं इससे आज मनुष्य तो खुद तृप्त हो रहा है लेकिन पृथ्वी भी बीमार है। तो पृथ्वी बीमार है, इसके लिए हम वन विभाग के अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, प्रभागीय वन निदेशक डीएफओ राजेश कुमार जी। सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जरा हमें बताइए कि वर्ष 2022 का वन विभाग का पौधरोपण का लक्ष्य क्या? इस साल जो पूरे यूपी राज्य का जो लक्ष्य है वो 35 करोड़ वृक्षारोपण का है। मेरठ जिले का लक्ष्य 33 लाख पौधारोपण करने का है, जिसमें 28 विभाग मिलकर काम करते हैं। उसके अलावा एनजीओ अलग अलग संगठन है जो अपना रोल प्ले करते हैं, तो पौधारोपण का लक्ष्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारे वन विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर वृक्षारोपण में प्रतिभाग करेगा। सर, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि वन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कोई विशेष मुहिम अभियान हो क्या बना? वन विभाग पूरे साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो आपसे रिलेटेड होते हैं, जैसे अर्थ डे समिट है। अर्थ डे भी इसलिए मनाया जाता है कि अर्थ का सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता चले। आप लोग यहाँ इकट्ठे भी इसीलिए हुए हैं कि एक अर्थ डे पहले से मनाया जा रहा है, 50 साल उसको हो चुके हैं, 52 साल। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? धरती की सिग्निफिकेंस आप लोगों के लिए क्या है? जैसे कि स्कूल की सिग्निफिकेंस आप लोगों के लिए है, आप यहाँ आते हैं, यहाँ आप कुछ सीख के जाते हैं, उसके बाद आप एक करियर अपना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना। अर्थ डे की बहुत सिग्निफिकेंस है, वो आपको सिखाता है कि रिसोर्सेज कैसे पृथ्वी पे लिमिटेड हैं, उनका उपयोग हमें लिमिटेड वे में अच्छे तरीके से करना है, एफिशिएंटली करना है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो मिल सके। अभी आप लोग महसूस करते होंगे मास्क लगाना पड़ रहा है, आपकी पिछले जनरेशन ने मास्क नहीं लगाया था ना? लगाया था? नहीं लगाया था। तो इसका कुछ हद तक जो है इंसानों का जो अभी तक डेवलपमेंट प्रोसेस रहा है उसका भी महत्व है। आप जैसे इस रूम में बैठे हैं, अगर आप चेयर पे बैठे होते हैं, रिसोर्स लग्जरी है, आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो बैकबोन आपकी सीधी रहती है, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ज्यादा लोगों को बैठना था तो इसलिए आप लोग नीचे बैठे हैं। ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही है, नहीं हो रही है ना? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है कि आप रिसोर्सेज का कम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ही के बीच से पड़े हुए बच्चे हैं, ये जल के बारे में बताते हैं, आपको बताते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। आपको टीवी पे भी पता चलता होगा कि जल सीमित है। एक वाटर के बारे में सबने पढ़ा ही है ना, स्कूल में पढ़ा होगा सबने, ये वाटर कम है, बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपने स्पेस का अच्छे से उपयोग किया है ना, ज्यादा लोग बैठ पाए, सिंपल सी चीज है, आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बैठने में, नहीं? उसको कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं? ये चीजें सोचने के लिए ऐसे डेज मनाए जाते हैं। तो आप अपने आप सोचिए कि आप क्या क्या चीज घर पर बचा सकते हैं। हम लोग बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, विश्व के लिए ये करना है। आपके घर से आप स्टार्ट कीजिए, आपके कॉलेज से आप स्टार्ट कीजिए, स्कूल से स्टार्ट कीजिए। आप लोगों ने कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है, पेंटिंग्स देख के मन अच्छा लगता है कि आप लोग क्रिएटिव जो माइंड है आपका वो आपने घेरा होगा। देखिए आपके आस पास में ये पेंटिंग कितनी अच्छी अच्छी है, कभी उसको पॉन्डर कीजिए, एक मिनट सोचिए कि जिसने बनाया उसके माइंडसेट में क्या था। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, आपके दोस्तों ने बनाया, आपके कलीग्स जूनियर्स सबने बनाया है। एक बार उसे सोचिए, देखिए उस चीज को कि उसने क्या कहने की कोशिश की है, और आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्कूल में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आप पृथ्वी का पार्ट है, आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। आप सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि दिक्कत तो सबको आ रही है ना, मास्क तो सबको पहनना पड़ रहा है ना, गंदा अगर हवा आपको मिलती है, एयर पोल्यूशन रहता है, तो सबके हाथ में जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बच्चे हो, टीचर्स हो, सबको मिलता है ना, हवा तो सबको सेम मिलती है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है कि हवा थोड़ी ठीक रहे या पानी साफ रहे? छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसमें आप लोगों का रोल प्ले जो है वो होना चाहिए, है ना। और अगला प्रश्न मेरा ये है कि
कि बड़े बड़े शहरों मेट्रोपोलिटन सिटीज में आजकल अर्बन फॉरेस्ट का बड़ा दौर चला है, तो क्या वन विभाग की ओर से मेरठ में कोई अर्बन फॉरेस्ट लगाने की योजना है, या अगर कोई पहले से लगा हुआ है तो क्या उसमें और सहयोग किया जा सकता है? अर्बन फॉरेस्ट के रूप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे फॉरेस्ट पहले से डेवलप किए हुए हैं। संजय वन सभी लोगों ने सुना होगा, देट इज ऑल्सो अर्बन फॉरेस्ट। मेरठ कैंट एरिया में आप देखते हैं, देट इज ऑल्सो अर्बन फॉरेस्ट। इवन अर्बन फॉरेस्ट की डेफिनेशन बहुत ही वास्ट है, उसको जैसे इंटरप्रेट करना चाहें आप अपने घर के आसपास भी अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आपका पार्क होगा, पार्क में हो सकता है कि ट्री कवर कम हो, उसका ट्री कवर आप बढ़ा सकते हैं, उसके बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल कैंपस, इसमें हरियाली का जहां स्पेस है, जैसे आज दो पौधे लगाए गए, आप अपने कैंपस में पौधे लगा सकते हैं, तो उसको आप अर्बन फॉरेस्ट की तरह एक तरह से बढ़ा सकते हैं। स्पेस अर्बन स्पेसेस में कम होता है, आपके घर के आसपास, कॉलोनी के आसपास, आपकी सोसाइटी में, जहां भी आपको लगे कि यहां पर ट्री कवर बढ़ाया जा सकता है, तो पौधों का रोपण होना चाहिए और आप उसको बचाएं, तो वो एक अर्बन फॉरेस्ट का स्वरूप होता है। अब ये आप ना सोचें कि एक ब्लॉक होगा, बड़ा सा ब्लॉक है, उसमें ही पौधा रोपण किया जाए। आप दो पौधे लगाएंगे, हर कोई दो पौधे लगाएगा, एक पौधा लगाएगा, तो वो पूरे ट्री कवर को सिटी के बढ़ाएगा, तो एक अर्बन फॉरेस्ट के रूप में ही वो डेवलप हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट आप समझे और उसको निश्चित रूप से देखिए, जब मन में कुछ ठान लेते हैं हम, तो आई थिंक जो केवल एक जो जरूरत होती है जोश की, जोश हो तो कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन जोश में होश नहीं होना होता। तो अब अगला प्रश्न मेरा आखिरी प्रश्न सर आपसे यही है, हालांकि ये कोई प्रश्न नहीं है, ये मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे छात्र छात्राएं हमारे मौजूद हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से और बतौर IAS अधिकारी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से भी कल कोई IAS बने, कोई IAS आपकी तरह बने और किसी विभाग में, किसी प्रदेश जिले में जाकर आपकी तरह अपनी सेवाएं, क्या संदेश रहेगा आपका? बिल्कुल सिंपल सा संदेश है बच्चों, खुश होके अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से सीखना है जो आप कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे इनिशिएटिव स्टेप आप अपने माइंड में जो सोचते हैं कि ये होना चाहिए, आप सोचते हैं ना सोसाइटी में ये चेंज होना चाहिए, हर कोई सोचता है, हम लोग भी सोचते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, तो वो आप उसको सोचिए कि आप अपने लाइफ में कैसे उसको चेंज ला सकते हैं, जो भी आप अच्छा समझते हैं। पेंट बिजली को कम बचाना है, कम यूज करना है, प्लास्टिक को कम यूज करना है, वाटर को कंजर्व करना है, आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप से कर सकते हैं ना, सब लोग करते भी होंगे, लेकिन दूसरों को मोटिवेट भी करना, अगर आप कर रहे हैं दूसरों को मोटिवेट भी करना है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको देखा देखी लोग दूसरे भी अच्छा काम करेंगे। अभी आप सावन को देखते होंगे, अच्छा काम कर रहा है, 6-7 साल से कर रहा है और आगे भी करेगा, मोटिवेशन उससे मिलता है कि उसको रिकग्निशन मिलता है, अच्छा काम कर रहा है तो हर कोई बढ़ाई करता होगा। आप लोग भी चाहते हैं ना कि अच्छी सबसे बढ़ाई मिले, हर कोई आपको रिकग्नाइज करे नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से चाहते हैं ना सब लोग, उसके लिए छोटा सा इनिशिएटिव लीजिए, आप क्या कर रहे हैं उसको आप बता के अपने टीचर्स को बताइए कि हमने आज इतनी बिजली बचाई, आज हमने इतना पानी बचाया है ना। और मैं 2-3 प्रॉमिस हर जगह लेता हूँ, बच्चों से प्रॉमिस देते हैं बच्चे और निभाते भी हैं, है ना, जो छोटे छोटे प्रॉमिस मैं हर जगह लेता हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक का हम लोग जितना कम यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा है, वो एक कंट्रीब्यूशन है, हम लोग पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं, इंडिविजुअल लगता है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आप छोटा 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 सब लोग मिल के अगर प्लास्टिक कम यूज करेंगे तो कितना कम जनरेशन होगा। सभी लोगों ने 3R कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 3R सबने पढ़ा है ना, वेस्टेज वाला है ना, उसका सिंपल सा मेथड क्या है, आपको रिड्यूस करना है, आपको यूजेज जो है उस चीज का कम कर देना है, अगर आप रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज करना है, रिसाइकलिंग में अगर वो चीज जा सकती है तो रिसाइकलिंग में जाए, जैसे आप पेपर पढ़ते होंगे, पेपर को संभाल के रखते हैं ना, न्यूज़पेपर घर में पेरेंट्स संभाल के रखते हैं ना, क्यों संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो रद्दी वाला लेके जाएगा, है ना, तो रिसाइकल होता है, उसकी वजह से एक पेड़ बच जाता है, उतने पेड़ बच जाते हैं करने से, है ना, तो वो भी आपका यूटिलाइजेशन। ऐसे आप वाटर कंजर्व कर सकते हैं, आपके घर में सबके RO वाटर लगे हुए हैं ना, RO का पानी सब पीते हैं ना, टैप वाटर तो नहीं पीता कोई, RO वाटर पीते हैं ना सब, उसका जो वेस्ट वाटर है उसको देखा है आपने कहाँ जाता है, आप बताइए आपके घर में कहाँ जाता है, देखा है आपने RO वाटर, उसका जो पतला पाइप निकल रहता है वेस्ट वाटर का, वो कहाँ जाता है, नाली में चला जाता है, वो कितना क्वांटिटी जाता होगा, आप जितना ड्रिंकिंग वाटर निकाल रहे उससे ज्यादा वो वेस्ट होता है ना सबके घर में, उसको तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं डेली, कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे बताइए, कैसे कर सकते हैं बताइए, आप बताइए,
पौधों में डाल के उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? बकेट के अंदर उसको डाल देना है। आप बकेट के अंदर डाल सकते हैं, आप एक कंटेनर ले सकते हैं उसमें डाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। पेरेंट्स मना तो नहीं करेंगे, क्यों मना करेंगे? आपकी पॉकेट मनी से कुछ खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बकेट लाने में कितना, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए खर्च होगा? इतना तो कर सकते हैं ना। आप करेंगे तो आपकी देखा देखिए आपके पेरेंट्स भी करेंगे, और आप अपने दोस्तों से भी पूछे कि आपने किया कि नहीं किया, और उस वाटर को आप प्लांट्स में डालिए, आप खुद से डालिए। आपके पेरेंट्स डालते होंगे, अभी आप लोग नहीं डालते हैं ना, डालते हैं? आप डालिए उसको, है ना। आप एक पौधा अपना खुद का खरीद के लेके आइए, खुद के नाम के लगाइए, है ना। एक दूसरा प्रॉमिस मैं यही मानता हूँ लोगों से कि बर्थडे आप लोग मनाते हैं, पार्टी करते हैं ना, सब सब पार्टी देते हैं, एक गिफ्ट जो है अर्थ को दीजिए, मदर अर्थ को, है ना। अर्थ दे है ना, तो मदर अर्थ को आप क्या देते हैं बताइए? मदर अर्थ को आपको सब कुछ दे रही है, आपको क्या क्या चीजें मिल रही है अभी बताइए? आप सांस ले पा रहे हैं, अच्छा आपको पानी मिलता है, अच्छा भोजन मिल पाता है, सब मदर अर्थ से मिलता है ना। आप अपनी मम्मी को तो कुछ देते हैं ना घर में, क्या देते हैं बताइए? कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, उनका बर्थडे आता है तो देते हैं, है ना। आपका बर्थडे आता है तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में आप देते होंगे, कुछ ना कुछ देते रहते हैं ना। अपनी मम्मी को देते हैं, अपने टीचर्स को भी आप देते होंगे, टीचर्स डे मनाते हैं, तो मदर अर्थ को क्या देते हैं आप बताइए? दे पाते हैं कुछ? सब चीज लेने के लिए तो कुछ देना चाहिए ना। आप ये दो चीजें आप देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज कम करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है, नहीं। और एक प्लांट आपके जो बर्थडे आएगा उसमें आप प्लांट लगा के मदर अर्थ को गिफ्ट करेंगे, और जैसे आपको मदर ने बढ़ा दिया ना आपकी मम्मी ने, तो पौधे को बड़ा करेंगे। एक पौधा तो कर ही सकते हैं, आपकी लोकेलिटी में आपके घर में एक पौधा तो आप लगा सकते हैं ना, ये प्रॉमिस तो करेंगे ना। आपके सारे बच्चे करेंगे, सोचिए कितने पौधे लगेंगे जो नहीं लग रहे, और आपको अच्छा भी लगेगा कि वो बड़े बड़े हो रहे हैं। तो वो कैसे बड़े होते हैं? आपके पेरेंट्स आपको बड़ा होते हुए देखते हैं ना, अच्छा लगता है ना उनको कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छा लगता है ना। आप उसको अपना बच्चा बनाइए, पौधे को अपना बच्चा बनाइए, उसको अच्छे से पानी दीजिए। क्या चीज चाहिए उसको? केवल पानी चाहिए? कभी तुम्हारा उसको थोड़ा सा खाद दे दिया? आपकी मदर तो आपके लिए सारी चीज करती है, अच्छे अच्छे भोजन बनाती है ना। आपको कोई पराठा खाना पराठा, पिज्जा खाना पिज्जा, वो तो अपनी भी मांग नहीं कर रहा है, तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो आप प्रॉमिस कीजिए आज के दिन कि आप बर्थडे वाले दिन एक पौधा लगाएंगे हर बर्थडे। अगर हर बर्थडे में पौधा लगाएंगे तो आप कितने बड़े होंगे, कितने पौधे लग जाएंगे, है ना। हर कोई 40-50 पौधे तो लगा लेगा आराम से, है ना। 50 पौधे लगा लेंगे तो उससे कितनी ऑक्सीजन निकलेगी? कभी आप पढ़िए कि एक पौधा जो है कितनी ऑक्सीजन देता है, कितनी सारी चीजें देता है। केवल पौधा ऑक्सीजन नहीं देता, बहुत सारी चीजें देता है। आप मदर अर्थ को कुछ पे बैक कर रहे हैं, इतना जो चीजें हम लोग ले रहे हैं उसको पे बैक कर रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा, एफर्ट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। आपको शहर के बाहर नहीं जाना, आपको घर के बाहर नहीं जाना, आस पास में नहीं करना, नहीं तो इतना तो करेंगे ना। आवाज यानी प्रॉमिस आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चों आप लोग, ऐसे ही अच्छी पढ़ाई करते रहे, कैरियर में अच्छे से प्रोग्रेस करें। अभी आप सब 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, और बड़े होंगे 12th के हैं, तो आप लोग नेक्स्ट भी आप कैरियर अपना बनाने जाएंगे। तो जो कैरियर आप चूज कर रहे हैं वो अच्छे से चूज करें, जिसमें आपका मन करता है। ये नहीं कि सर को देख लिया तो सर इस जॉब में तो मुझे ये करना है। आप में से हो सकता है किसी का बिजनेस माइंड हो सकता है किसी का ब्यूरोक्रेटिक माइंड हो, अपना अपना चॉइस हो सकता है। लेकिन जो भी करें अच्छे से करें, मन लगा के करें, और कैरियर को अच्छे से एंजॉय करें। ऐसा नहीं कि कैरियर बस बनाने के लिए, बहुत सारे कैरियर हैं, कैरियर ऑप्शंस देखें आप। अभी स्कूल्स में ठीक है, स्कूल में चल जाता है काम, आप कॉलेज में वही एजुकेशन लीजिए तो आपको कैरियर में हेल्प करें, है ना। तो सबसे बड़ी बात है हैप्पीनेस, खुश रह के काम करना है ना, और लोगों को खुशी देनी है, इतना काम करें, है ना। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, आपको बहुत अच्छे से कैरियर में प्रोग्रेस करें। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए बर्धमान अकेडमी और एनवायरमेंट क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग भी इससे जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम्स आप लोग करते रहें, आप अपने स्कूल में कर रहे हैं तो आपके स्कूल के अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताएं कि आज मैंने ऐसा प्रोग्राम किया था, उसमें ये चीजें हमने की और ये चीजें हम करने वाले हैं, तो आप लोग भी कीजिए। भाई आप 10 लोगों को तो जानते होंगे, जानते हैं ना, 10 दोस्त अलग अलग स्कूलों के होंगे, तो 10 लोग 10 बर्थडे के अपना 10 पौधे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वाटर कंजर्व करेंगे, तो कितनी बड़ी चीज हो जाएगी, है ना। उसको कैलकुलेट कीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितना पानी बचाया,
कितने पौधे लगाए, इसको कैलकुलेट कीजिए और अपना फिर बाद में देखिए कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, इतना कर सकते हैं ना। yes, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू। हमारे साथ राजेश कुमार सर, अगले सत्र में आपसे बहुत जल्द होगी मुलाकात। धन्यवाद।